Hello everybody, this is Brijender Singh Chauhan. Welcome to my channel BS CAD CAM. Today, आज हम इस पार्ट को CATIA सॉफ्टवेयर के अंदर बनाएंगे. ठीक है, सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ये आपका शो हो रहा है, ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू है. ठीक है, आपका जो 3D मॉडल बनेगा CATIA के अंदर, वो भी आपका इसी उसमें प्लेन और एक्सिस वगैरह में इसी में बनेगा. मतलब जब भी आप इसको आइसोमेट्रिक व्यू करो तो आपका यही शो होना चाहिए. ठीक है, सबसे हम स्टार्ट करते हैं. CATIA फाइल पे गए, न्यू एंड पार्ट. ओके, पार्ट नंबर दे दिया. ओके, आपका पार्ट नंबर यहाँ पे शो हो गया. ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे स्केच ओपन करना है. सर्कल लगाएंगे हम, डिमेंशनिंग कर देंगे. दिस इज 60. ठीक है, उसके बाद प्रोफाइल कमांड लिया इस पॉइंट से लेके एंड दिस पॉइंट. ठीक है, आप हमेशा एक्सिस जरूर चेक कर लें. को डिलीट कर दिया. ठीक है, अब सेंटर टू सेंटर है मेरा यहाँ से 95. ठीक है, इसको साइड में कर देते हैं. ठीक है, ये कोई पॉइंट नहीं है, इसको डिलीट कर दिया. ठीक है, अब क्या करना है, अब हम इसको ट्रिम कर देंगे यहाँ से. ठीक है, ये डिलीट. ठीक है, हमें डिमेंशनिंग कहाँ से कहाँ तक चाहिए, यहाँ से यहाँ तक. कितनी हमारी 60, ये हमारा फुली डिफाइन हो गया है. ठीक है, अगर जब मैं इसको 80 करूँ तो ये इजीली चेंज हो जाएगा. ठीक है, मेरे को कितना चाहिए, 60. ओके एंड एग्जिट स्केच. ठीक है, आप ड्राइंग में देख लो कि किसको कितना पैड करना है. ये कह रहा है कि ये 15 mm पैड करना है. ठीक है, पैड कमांड लिया, स्केच को सिलेक्ट कर दिया एंड 15 mm. ठीक है, उसके बाद ये क्या बोल रहा है, उसके बाद ये बोल रहा है कि मेरा ये डाया है, ये 50 mm 5 mm ऊपर पैड हुआ है. ठीक है, और ये इसके सेंटर में है. ठीक है, इसका सेंटर और इसका सेंटर सेम है. इस फेस के ऊपर को सिलेक्ट किया, स्केच ड्रॉ किया. यहाँ से हम इसके कन्वर्ट एंटिटी ले लेंगे. ठीक है, राइट सिलेक्ट किया एंड कंस्ट्रक्शन लाइन. ठीक है, सर्कल लगा देंगे इसको. एंड आपका डाया कितना है, 50 mm. ठीक है, इसको सिलेक्ट किया एंड इसको सिलेक्ट किया, कंस्ट्रेंट लगा दिया सेंट्रिक का एंड ओके. एग्जिट स्केच, आपका ये कितना ऊपर है, पैड कितना करना है मेरे को, 5 mm एंड पैड 5 mm. ठीक है, उसके बाद ये क्या बोल रहा है, उसके बाद ये बोल रहा है कि मेरा 24 का डाया जा रहा है अप टू लास्ट तक. ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट नहीं करेंगे हम, यहाँ पे होल कमांड लगाएंगे. होल को सिलेक्ट किया, इस फेस को सिलेक्ट कर दिया जिसके ऊपर मैंने होल लगाना है. ठीक है, अब हमारी होल कमांड ओपन हो गई है. ठीक है, सबसे पहले मेरे को क्या करना है, इसने ऑटोमेटिकली इसका सेंटर सिलेक्ट कर लिया. अगर जो ये सेंटर सिलेक्ट नहीं कर रहा तो यहाँ पे स्केच पे जाओ. ठीक है, ये पॉइंट आ रहा है आपका होल का. ठीक है, इसको हम सेंटर में कर देंगे और देख लेंगे फुली डिफाइंड है कि नहीं है. अभी ये फुली डिफाइंड नहीं है. ठीक है, इसको सिलेक्ट किया और इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, इस पर हम सेंट्रिक का कंस्ट्रेंट लगा देंगे
ये फुली डिफाइन हो गया है। एग्जिट स्केच करेंगे, हमें कितना चाहिए, हमारा डाया है 24 अप टू लास्ट, दिस इज 24, डेप्थ कितनी है मेरी 20 mm, एंड प्रीव्यू करके देख लेंगे कैसा आ रहा है। ठीक है, ओके एंड ओके। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमको, उसके बाद ये साइड बनानी है इसकी। ठीक है, साइड कितनी है आपका, डाया है 50 mm। ठीक है, उसके बाद यहाँ से सेंटर दे रखा है, इस फेस से सेंटर है आपका 24 mm, उसके अंदर 20 का डाया है। ठीक है, ये 15 mm पीछे है और 5 mm आपका आगे है, क्योंकि ये टोटल 20 है। ठीक है, सबसे पहले हमें बैक साइड का बनाना पड़ेगा, ये 15 mm थिकनेस का। ठीक है, ओके शुरू करते हैं। यहाँ से सिलेक्ट किया, स्केच को सिलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद इसको हम बंद कर देते हैं। और प्रोफाइल लिया, यहाँ पे गए और इसके बिल्कुल सेंटर को सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड ट्रिम कमांड। ठीक है, इसके ऊपर कंस्ट्रेंट लगेंगे हमारे दोनों के ऊपर, वर्टिकल के कंस्ट्रेंट। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें इसकी कन्वर्ट एंटिटी कर देते हैं। ठीक है, इसको कंस्ट्रक्शन लाइन, इस लाइन को सिलेक्ट किया, इस लाइन को सिलेक्ट किया, कंस्ट्रेंट लगा दिया इसके ऊपर, ये वाला। ठीक है, इस पॉइंट को सिलेक्ट किया एंड इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, इसके ऊपर हम कंस्ट्रेंट लगा देते हैं। ओके, मेरे पास डाया कितना था 50, तो हम इसकी रेडियस लेंगे 25। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि यहाँ से लेके आपका ये सेंटर 25 mm है। ठीक है, मैं डिमेंशन पे सिलेक्ट किया, यहाँ से आपका ये है 25 mm। ठीक है, एग्जिट स्केच एंड पैड कमांड, रिवर्स डायरेक्शन एंड 15 mm। ओके, ठीक है, उसके बाद ये क्या बोल रहा है, उसके बाद ये बोल रहा है कि ये मेरा फेस बाहर आ रहा है, कितना टोटल मेरा कितना है 20, थिकनेस कितने की लिए हमने 15 की, तो हम 5 mm इसको बाहर निकालेंगे। सिलेक्ट किया, स्केच ड्रॉ किया इसके ऊपर, कन्वर्ट एंटिटी। ठीक है, इसको कंस्ट्रक्शन लाइन में सर्कल लिया, डाया है मेरा कितना, डाया देने की वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम ऐसे कर देंगे, उसके बाद इसका सेंटर और इसके सेंटर को सेंट्रिक। ओके, इसको सर्कल को और आउटर सरफेस को इसके ऊपर कंस्ट्रेंट लगा देंगे कोसिगंस का। ठीक है, एग्जिट स्केच, पैड कितना है मेरा 5 mm। ओके, ठीक है, अब क्या करना है, अब ये कह रहा है कि इसके अंदर मेरा होल है, डाया कितना है उसका 20 mm। यहाँ से फेस सिलेक्ट, होल कमांड लिया, फेस सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर उठा रहा है। ठीक है, एडिट स्केच, अभी ये फुली डिफाइन नहीं है मेरे पास, ये पॉइंट हम कहीं भी रख देंगे तो ये चीज़ नहीं चलेगी, क्योंकि ये बाकी आगे हमें मॉडल में दिक्कत कर सकती है, तो इसलिए इंस्ट्रक्शन एंड दिस सेलेक्ट सर्कल और दिस कंस्ट्रेंट। ओके, फुली डिफाइन हो गया, एग्जिट स्केच, डाया कितना है मेरा 20, डेप्थ है मेरी 20 की, एंड प्रीव्यू।
एंड ओके। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको मेरे को इसको मिरर करना है। ठीक है, यहाँ से आप इसको ओपन कर लेंगे मॉडल ट्री को, आपने होल को पैड एंड दिस पैड इज मिरर यहाँ से सिलेक्ट किया, इसको ऊपर रख दिया। मिरर कमांड देख लेते हैं, मिरर कहाँ पे है हमारी, दिस इज मिरर, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है। हमें प्लेन को सिलेक्ट करना है, ये हमारा सेंटर का प्लेन एंड ओके। ठीक है, इसको आइसोमेट्रिक व्यू कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या है, ये चीज़ हमें दी नहीं है। ठीक है, कि यहाँ पे हमारी कितनी रेडियस है। ठीक है, हम यहाँ पे 2 mm के रेडियस लेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें फ्लैंज लगानी होगी। ठीक है, सॉरी, फिलेट फिलेट लगाना होगा, कितने का, 2 mm रेडियस का। ठीक है, इसको हम 2 mm कर देते हैं, एजिस को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और एक यहाँ पे एंड ओके। इसको आइसोमेट्रिक व्यू कर देते हैं। ठीक है, प्रॉपर फिट देख लेते हैं कि प्रॉपर फिट हो गया। ठीक है, जब भी आप इसको सेव करें तो प्रॉपर फिट करके ही करें। ठीक है, क्योंकि इससे आपका जो थंबनेल में जनरेट होगा, तो थंबनेल में सेम एज इट इज़ जनरेट होगा, और आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यही मेरा पार्ट है या नहीं है। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन। थैंक यू गाइस।